नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों, जहां तक आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे RRB LP एंड टेक्नीशियन की सीडी 2 की पार्ट बी की तैयारी कराई जाती है। आपको इस चैनल पे सारे ट्रेड के वीडियोस मिलेंगे, तो जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी जो डेली क्लासेज हैं वो फिटर की 4 PM पर चलती हैं, तो आज की जो हमारी क्लास है वो फिटर की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिटर के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं आज की क्लास में कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चीजल के द्वारा एक ग्रू काटा जा रहा है, ग्रू के अंत में पहुंचने पर एक साथ अधिक मात्रा में धातु को टूटने से आप कैसे रोकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, धातु को टूटने से आप कैसे रोकोगे। ठीक है, ए अंत में पहुंचने पे हल्के फोर्स से चिपिंग करके, बी सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करके, सी कम झुकाव के साथ चीजल को पकड़ने पर, और यहाँ पे डी देख लीजिए, विपरीत साइड से अंत में सिरे की चिपिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो आपका हो डी, विपरीत साइड से अंतिम सिरे की चिपिंग। ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग आप इसको रोक सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विशेष ऑपरेशन के लिए कभी कभी ड्रिल पर एक स्टॉप रिंग लगा दिया जाता है। ठीक है, कौन सा स्टॉप रिंग। ठीक है, स्टॉप रिंग लगा दिया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है, कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। ए थ्रू होल ड्रिलिंग, बी ब्लाइंड ड्रिलिंग, सी पायलट ड्रिलिंग और डी काउंटर बोरिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो कौन सा होना चाहिए। तो ये आपका आंसर बी है, ब्लाइंड ड्रिलिंग के अकॉर्डिंग ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपोनेंट के सरफेस को स्केल फ्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं, आपको हाईलाइट कर दिया गया है ताकि इस चीज़ से आपको ये माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि किसके बारे में किया जा रहा है। हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं, तो ए फ्लेम हार्डनिंग, बी केस हार्डनिंग और सी नाइट्राइडिंग और डी इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो है डी इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशनें बनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशनें बनी होती हैं किस पे, माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ए 10 मिलीमीटर, बी 12 मिलीमीटर, सी 13 मिलीमीटर और यहाँ पे डी 25 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो है सी 13 मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर की थिम्बल यू स्लीप ग्रेजुएशनें आउटसाइड माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशनों की विपरीत दिशा में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन था बट यहाँ पे कुछ चेंज किया गया है। ये देखिए थिम्बल, ठीक है, थिम्बल यू स्लीप ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर ग्रेजुएशनों के विपरीत दिशा की बात की जा रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए इनसाइड माइक्रोमीटर, बी डेप्थ माइक्रोमीटर, सी ट्यूब माइक्रोमीटर और डी फ्लैंज माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो इसका आंसर जो होगा वो बी डेप्थ माइक्रोमीटर ग्रेजुएशनों के विपरीत दिशा में होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है। विभिन्न प्रकार की फिटिंग, यहां पे देख लीजिए, विभिन्न प्रकार की फिटिंग तैयार करने के लिए टू पॉट्स के बीच जो अंतर रखा जाता है वह है ए अलाउंस, बी टॉलरेंस, सी फॉर्म और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिटिंग तैयार करने के लिए जो दो पार्ट्स देते हैं उन दो पार्ट्स के बीच में जो अंतर पूछा जा रहा है, कितने का अंतर, कौन सा अंतर रखा जा सकता है, ऑप्शन आपको दे दिया गया है, अलाउंस टॉलरेंस फॉर्म और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होना है
ये है अलाउंस है, इन दो पार्ट्स के बीच में अलाउंस रखा जाता है, अंतर जो होता है वो अलाउंस का रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बॉन्ड के प्रकार हैं। अब यहां पे देख लीजिए, बात की जा रही है बॉन्ड कौन से जो हैं वो बॉन्ड के प्रकार हैं। ए विट्रीफाइड बॉन्ड, बी सिलिकेट बॉन्ड, सी शैलक बॉन्ड और डी उपर्युक्त सभी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो है वो डी होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। ये फिटेड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड और शैलक बॉन्ड, ये जितने भी बॉन्ड हैं ये सभी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ये सभी बॉन्ड के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रैच्ड प्रेस है, रैच्ड प्रेस है, तो यहाँ पे देख लीजिए रैच्ड प्रेस है, तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ए हाथ वाली ड्रिलिंग मशीन, बी ग्राइंडर मशीन, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में रैच्ड के बारे में पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो है ए हाथ वाली ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए ये है ए हाथ वाली ड्रिलिंग मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कास्ट आयरन के तीन मात्रा कौन कौन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कास्ट आयरन की तीन मात्राएं जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं। ए हाइट फास्ट आयरन, बी ग्रे कास्ट आयरन, सी मॉटलर्ड कास्ट आयरन और डी उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। जो कास्ट आयरन है वो हाइट फास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मॉटल्ड कास्ट आयरन, ये सारे के सारे कास्ट आयरन के तीन मात्रा, ठीक है, मात्रा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मशीन के स्पिंडल के इंटरनल टेपर का रन आउट चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग करेंगे। अब यहां पे इंटरनल टेपर, ठीक है, का रन आउट चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो ए डायल टेस्ट इंडिकेटर, बी टेस्ट मैंड्रेल और डायल टेस्ट इंडिकेटर, सी प्रिसीजन हाइट गेज और डी टेस्ट मेडल और प्रिसीजन हाइट गेज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने स्पिंडल के इंटरनल टेपर का रन आउट चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जो इसका प्रयोग करेंगे वो होगा बी टेस्ट मेडल और डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है, इसका प्रयोग हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजल की शेप कैसी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चीजल जो है, ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है। ए त्रिभुजाकार, बी चतुर्भुजाकार, सी पंचभुजाकार और डी षट्भुजाकार, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए चीजल की जो शेप कैसी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन किसी ने तरह घुमा करके पूछ रहा है आप लोगों से। इस बार क्वेश्चन जो है ये शेप के अकॉर्डिंग पूछ लिया है, तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो पंचभुजाकार, ठीक है, चीजल की जो शेप होती है वो पंचभुजाकार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजल की कटिंग एंगल कितना होता है। क्लियर, चीजल की कटिंग एंगल कितना होता है। ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 50 डिग्री और डी 10 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका है ये 40 डिग्री। चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो 40 डिग्री होता है, क्लियर, वो 40 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट क्वार्टर कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट क्वार्टर कैसा होता है। ए आकृति में सीधा, बी टेढ़ा, सी गोला और डी उपर्युक्त सभी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो आकृति में सीधा है, ठीक है, स्ट्रेट क्वार्टर आकृति में सीधा होता है। चलिए आगे, तो निम्नलिखित में से कौन वेल्ट ड्राइव के नाम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेल्ट ड्राइव के नाम है। ए फ्लैट वेल्ट ड्राइव, बी वी वैलेट ड्राइव, सी राउंड वैलेट ड्राइव और डी उपर्युक्त सभी। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा ये डी उपर्युक्त सभी।
वेल ड्राइव के जो नाम हैं ये सारे नाम वेल ड्राइव के अकॉर्डिंग ही हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माइक्रोन का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, माइक्रोन का मान ए 0.1 मिलीमीटर, बी 0.01 मिलीमीटर, सी 0.001 मिलीमीटर और डी 0.0001 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो है सी 0.001 मिलीमीटर माइक्रोन का मान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का अल्पमांक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का अल्पमांक होता है ए 0.005 मिलीमीटर, बी 5, सी 5 डिग्री और यहाँ पे डी 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो है बी, ठीक है। वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का अल्पमांक जो होता है वो 5 होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कास्ट आयरन बनाया जाता है, ठीक है। कास्ट आयरन बनाया जाता है ए इलेक्ट्रिक फॉर्नेस द्वारा, बी ब्लास्ट फर्नेस द्वारा, सी क्यूपोला फर्नेस द्वारा और डी पुडलिंग फर्नेस द्वारा, ठीक है। तब यहाँ पे देख लीजिए, कास्ट आयरन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो है सी क्यूपोला फर्नेस द्वारा, ठीक है। कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पुली ड्राइव की कौन हानियां हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा पुली ड्राइव की कौन हानियां हैं। अब कौन कौन सी हानियां हैं, ए इसमें स्लीपेज, ठीक है, स्लीपेज का भय होता है, बी ये कम लोड उठाती है। ये सी देख लीजिए, ये जगह ज्यादा घेरती है और डी उपयुक्त सभी सत्य हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उपयुक्त सभी सत्य हैं, ठीक। डी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से गियर ड्राइव के कौन कौन से लाभ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गियर ड्राइव के कौन कौन से लाभ हैं, ए स्लिप नहीं होता है, बी अधिक स्पीड पर कार्य करता है, सी जल्दी पकड़ता है, डी उपयुक्त सभी सत्य हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो होगा वो 40 का डी उपयुक्त सभी सत्य हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है, तो ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 50 डिग्री और डी 10 डिग्री, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो ए होगा, चीजल का फोर्जिंग एंगल जो है वो 30 डिग्री का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेपर टैप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड ग्राइंड होती हैं, ठीक है। ए 5 से 6, बी 4 या 5, सी 2 या 3, डी 1 या 2, ठीक है। तो यहाँ पे टेपर टैप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है आपका ए ऑप्शन होगा 5 या 6, ठीक है। चूड़ियाँ जो होती हैं वो ग्राइंड होती हैं 5 या 6 होती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स ड्राइव के अंदर, ठीक है, फिक्स डाई के अंदर कितने होल होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके फिक्स डाई, ठीक है, जो डाई होती है उसके अंदर कितने होल होते हैं, A2, B3, C4 और D5। तो आपका राइट आंसर है C4, ठीक है, जो होल होते हैं वो 4 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट टाई, ठीक है, स्प्लिट डाई का आकार किस अक्षर जैसा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो स्प्लिट डाई है, ठीक है, डाई का जो आकार पूछा जा रहा है किस अक्षर जैसा होता है, ए बी का बी, सी का सी और डी का डी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है सी, जो स्प्लिट डाई का जो आकार होता है वो सी अक्षर जैसा होता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डेटम एज के साथ साथ समानांतर लाइनें खींचने के लिए सहायक होता है? ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए यूनिवर्सल सरफेस गेज और पूछा क्या जा रहा है आपसे, पार्ट डेटम एज के साथ साथ समानांतर लाइनें खींचने के लिए सहायक होता है। ए स्क्राइबर, बी रॉकर आर्म, सी गाइड पीने और डी फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी गाइड पीने। ठीक है, खींचने के लिए जो सहायक होता है वो गाइड पीने होता है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, सी यू।